20,000 जो ओपन कैटेगरी के सीट्स थी बीआरटी में, उसमें 14,000 यूपी वालों का सिलेक्शन, और उसी वजह से 67 कट ऑफ चला गया। नहीं तो सब लोग ये जान रहे थे कि मैक्सिमम 60 कट ऑफ जाएगा। नीचे बीसी वर्ग में कोई लड़का है जो 54-55 लाख करके बेरोजगार है, अगर बाहरियों को मौका नहीं मिलता तो 54-55 नंबर वाले बीसी कैटेगरी के छात्रों का चयन होता। बिहार में योग्य नेता भी नहीं, बिहार विकास के सूचकांकों में बहुत पिछड़ा हुआ है, आज तक कहते हैं पिछड़ा राज्य है, हमको विशेष दर्जा चाहिए। तो बिहार विधानसभा में बाहर से नेताओं को ला करके चुनाव लड़वाना चाहिए। यहाँ की जनता क्यों बिहार के नेताओं को ही वोट दे, बाहर यूपी गुजरात और केरल और आंध्र प्रदेश से नेताओं को लाए, यहाँ पे टिकट दें। यूपी से इतना अगर आप शिक्षक लेके आए हैं, यूपी से हम मुख्यमंत्री भी लाएं, यूपी से हम विधायक भी लाएं, यूपी से आप सिर्फ शिक्षक क्यों लाएंगे, नौकरी ही क्यों देंगे उनको, उनको आकर के यहाँ राजनीतिक कुर्सी भी दीजिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री और मंत्री का पद भी उनको दीजिए। बिहारियों के साथ मजाक हुआ है, बिहार के बेरोजगार युवाओं के साथ एक जो छल हुआ है, अन्याय हुआ है, इसकी वानगी, इसका प्रदर्शन होने जा रहा है गांधी मैदान में कि हमने आपकी नौकरी छीन करके बाहरियों को दे दिया है, अब बिहार के युवा आप जो है बैठ करके यहाँ झाल बजाइए। ये सरकार आंकड़ों के साथ खेल रही, ये जो आंकड़ों की काला बाजारी है उसमें अभ्यर्थियों को उलझाया जा रहा है, और शुरू से जब से डोमिसाइल नीति हटाई गई उसी समय से सरकार आंकड़ों की काला बाजारी करके युवाओं को भ्रमित कर रही है। तो 1,20,000 का 12% है, मतलब 14,000 से अधिक, और बाहरियों के लिए जो ओपन कैटेगरी के सीट थी वो प्राइमरी में मात्र, हाई स्कूल में नहीं था, क्योंकि एसटीईटी जब हुई थी तो उसमें बिहार के निवासियों के लिए ही एसटीईटी थी। तो प्राइमरी के जो 20,000 ओपन कैटेगरी के सीट थे, क्योंकि बाकी 20,000 तो महिलाओं के थे, उन 20,000 का 14,000 यूपी वाले, झारखंड वाले, मध्य प्रदेश वाले और उमन कतार वाले लेके चले। जो हकमारी हुई है, सरकार कहती थी कि सिर्फ सामान्य वर्ग के, सामान्य जातियों की, छात्रों की हकमारी होगी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया, ज्यादा हकमारी हो गई है बीसी वर्ग के छात्रों की। तो इसलिए आक्रोश विशेष करके बीसी वर्ग के छात्रों में बहुत ज्यादा है। राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए तो तेजस्वी जी ने चुनाव के समय में स्वयं बयान दिया था कि हम बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, और 2020 की नियमावली में लागू था भी डोमिसाइल नीति, लेकिन 2023 में जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था, जो नियमावली बनी थी, उसमें था ये बात केवल बिहार के छात्रों को मौका मिलेगा, लेकिन न जाने बीच में ऐसी क्या परिस्थिति आई, क्या बाधा उत्पन्न हुई कि डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी के द्वारा 1,22,000 शिक्षकों का चयन किया गया है और 2 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको नियुक्ति पत्र देंगे गांधी मैदान में। आपको बता दें कि IPRD के द्वारा एक एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि बिहार के इस परीक्षा में 14 राज्यों के छात्र भी चयनित हुए हैं और कतर ओमान से भी लोग नौकरी छोड़कर बिहार में सरकारी शिक्षक बनने के लिए आए हैं। आपको बताएं कि 72,000 PRT का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें से 14,000 कैंडिडेट दूसरे राज्यों के चुने गए और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से हैं। हमारे साथ हैं TET शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित विक्रम जी, इनसे हम बात करेंगे कि डोमिसाइल कितना ज़रूरी है और क्या ये बिहार के लिए अच्छी बात है। क्या बिहार के लिए सर ये अच्छी बात है कि 14 राज्यों से, विदेशों से लोग आ रहे हैं नौकरी करने के लिए, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो 14 राज्यों से लोग आ रहे हैं नौकरी करने के लिए, इसमें सरकार अपना तो पीठ थपथपा रही है और अपने आप की बहुत बड़ाई कर रही है, लेकिन जो बिहार के युवा हैं वो इससे बहुत नाराज हैं, आक्रोशित हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले भी ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा था कि डोमिसाइल लागू हो। दिक्कत क्या है अमित जी, 72,000 तो PRT था या 1,22,000 में, सरकार कह रही है कि 88% तो हम बिहारियों को दिए हैं, मात्र 12% ही बाहर के लोग हैं। देखिए, ये सरकार आंकड़ों के साथ खेल रही, ये जो आंकड़ों की काला बाजारी है उसमें अभ्यर्थियों को उलझाया जा रहा है, और शुरू से जब से डोमिसाइल नीति हटाई गई उसी समय से सरकार आंकड़ों की काला बाजारी करके युवाओं को भ्रमित कर रही है। ये जो 12% है, ये सरकार ये नहीं बता रही है कि 12% कौन है। 12% क्या हाई स्कूल में भी इन्होंने बाहरी को लिया है कि सिर्फ प्राइमरी में लिया है? और अगर सिर्फ प्राइमरी का 12% है कि 1,20,000 का 12% है, और सरकार तो ओवरऑल कह रही है कि 12% है, मतलब कि 1,20,000 का 12% है, तो 1,20,000 का 12% है, मतलब 14,000 से अधिक, और बाहरियों के लिए जो ओपन कैटेगरी के सीट थी वो प्राइमरी में मात्र, हाई स्कूल में नहीं था, क्योंकि एसटीईटी जब हुई थी तो उसमें बिहार के निवासियों के लिए ही एसटीईटी थी।
तो प्राइमरी के जो 20,000 ओपन कैटेगरी के सीट्स थे, क्योंकि बाकी 20,000 तो महिलाओं के थे, तो उन 70,000 पे चयन हुआ। जी वही बता रहा हूँ, उन 20,000 का 14,000 यूपी वाले, झारखंड वाले, मध्य प्रदेश वाले और ओमन कतार वाले लेके चले। तो साथियों, बिहार शिक्षक बहाली आ गई है और आप देख रहे हैं कि तैयारी में आप सब लगे होंगे। तो ये आपके लिए चक्षु प्रकाशन की जो है स्टडी गाइड है, जो आपके कक्षा 9 से लेकर के 10 तक या फिर 11-12 के लिए तमाम आपके जो पेपर से, चाहे भाषा अर्हता का हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी हो, सामान्य भाषा हो, सामान्य जागरूकता हो, प्राथमिक गणित, इन सब की तैयारी आप इस गाइड के जरिए बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो आपके नवीन पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको दिया गया, ये पूरा पाठ्यक्रम आपको कैलकुलम के हिसाब से, और साथ ही इसके चक्षु प्रकाशन की अन्य भी सारी बुक्स जो है आपके, चाहे वो 6-8 की हो, चाहे 9-10 की हो, 11-12 की हो, सबकी तैयारी के लिए आपको जो है यहां पर मिल जाएगा। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट, और बस अब पढ़ाई में लग जाइए और किताबों को बस पढ़ते रहिए। तो जनरल कैटेगरी जो था, जिसमें सभी वर्गों के, चाहे वो मतलब आप जिसको सामान्य जातियां कहते हैं, या जिसको पिछड़ी जातियां कहते हैं, या जिसको अल्पसंख्यक वर्ग है, सबके लिए वो सीट था, उसमें से 14,000 से अधिक सीटों की हकमारी हो गई। और जिन पर चयन होना चाहिए था बिहार के युवाओं का, उन 14,000 सीट्स पर बाहरियों का चयन हो गया। इसी बात को लेकर के आक्रोश है और इसी बात को लेकर के गुस्सा है, खास करके पिछड़े वर्ग जो बीसी कैटेगरी है बिहार में, क्योंकि यहाँ पे बीसी और ईबीसी है, तो बीसी कैटेगरी में विशेष आक्रोश है, क्योंकि उनका कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया है। ईडब्ल्यूएस से ज्यादा कट ऑफ बीसी को चला गया है। जब डोमिसाइल नीति हटाई गई थी, तो सरकार के जो राजनीतिक दल हैं, सरकार में जो शामिल दल हैं, उनके प्रवक्ताओं ने बयान क्या दिया था कि पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई चिंता नहीं करनी है, इससे तो केवल सामान्य वर्ग में वो लोग आएंगे, सामान्य वर्ग के छात्रों का नुकसान होगा, ये लोग जाति कार्ड खेले, राजनीति खेले। लेकिन अब बीसी वर्ग के छात्रों को, यहां तक ईबीसी को भी समझ में आ रहा है, यह असल हकमारी हमारी हुई है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ तो हमसे भी कम है, तो सीट किसकी खा गए, ये लोग ज्यादा करके बीसी वर्ग की खाए। बिहार में जो बीसी वर्ग है वो शैक्षणिक रूप से बहुत मजबूत है, जनरल कैटेगरी के सीट पे भी बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या मतलब क्या, 80% तक इनका चयन होता है। आप सिपाही देखिए, दरोगा भर्ती देखिए, जनरल का जो ओपन कैटेगरी है उसमें बीसी वर्ग के बड़ी संख्या में छात्रों का चयन होता है। जो हकमारी हुई है, सरकार कहती थी कि सिर्फ सामान्य वर्ग के, सामान्य जातियों की छात्रों की हकमारी होगी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया, ज्यादा हकमारी हो गई है बीसी वर्ग के छात्रों की। तो इसलिए आक्रोश विशेष करके बीसी वर्ग के छात्रों में बहुत ज्यादा है। तो आक्रोश ज्यादा है और सरकार पीठ थपथपा रही है, लेकिन क्या लगता है, एक मुहिम भी अभी चल रहा है कि डोमिसाइल लागू करें। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, उनका भी कहना है कि ये राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, फूलपुर से उन्हें चुनाव लड़ना है, इसलिए उत्तर प्रदेश के छात्रों को ज्यादा मौका दिया गया। देखिए, राजनीतिक दलों की बयानबाजी पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो छात्रों का कंसर्न वो महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल के नेता क्या बोलते हैं, वो अपना सबका राजनीतिक अपना अपना स्वार्थ है और समय समय के अनुसार बयान बदलते हैं, लेकिन छात्रों का जो रुझान है, छात्रों की जो प्रतिक्रिया है, वो महत्वपूर्ण है। आप सोशल मीडिया देखिए, ट्विटर खोलिए, एक भी ऐसा छात्र बिहार का आपको नहीं मिलेगा जो डोमिसाइल नीति के खिलाफ हो। सबके सब डोमिसाइल नीति के समर्थन में है, सबका कहना है कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए तो तेजस्वी जी ने चुनाव के समय में स्वयं बयान दिया था कि हम बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, और 2020 की नियमावली में लागू था भी डोमिसाइल नीति, लेकिन 2023 में जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था, जो नियमावली बनी थी, उसमें था ये बात कि केवल बिहार के छात्रों को मौका मिलेगा। लेकिन न जाने बीच में ऐसी क्या परिस्थिति आई, क्या बाधा उत्पन्न हुई कि डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया, और उसके बाद से उस समय से लगातार छात्रों में आक्रोश था, सरकार बरगलाने का प्रयास की, लेकिन अब वो बैकफायर कर रहा है। सरकार ने पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के छात्रों को समझाया था कि आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बिहार में पिछड़े वर्ग के छात्रों का ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, और इस बात का आक्रोश है। और आप किसी भी छात्र से पूछिएगा तो सबका यही कहना है कि अगर यूपी वाले नहीं आते तो हमारा चयन हो जाता, 14,000 सीटें हमको मिलती। तो ये किसी विशेष राजनीतिक दल का ये स्टंटबाजी नहीं है, ये बिहार के आम युवाओं की, बिहार के बेरोजगार युवाओं के छात्रों का ये राजनीतिक अभियान है, एक सामाजिक अभियान है कि बिहार में रोजगार उनको मिले, बाहरियों को रोजगार नहीं मिले। अमित जी, क्या लगता है कि बाहरियों के ही आने से पीआरटी में प्राइमरी जो वर्ग का शिक्षक था उसमें जनरल का कट ऑफ 67 चला गया, जबकि बाकी के देखे तो ईडब्ल्यूएस का 57 है, महिलाओं का भी कम है, लेकिन क्या लगता है कि ये ज्यादा कंपटीशन दिए, इसी कारण जनरल को
कट ऑफ के मामले में भी जनरल बीसी ईबीसी को एक ज्यादा कट ऑफ जो झेलना पड़ा। बिल्कुल झेलना पड़ा। आप देखिए ना, मैं कह रहा हूँ ना कि 20,000 जो ओपन कैटेगरी के सीट थी पीआरटी में, उसमें 14,000 यूपी वालों का सिलेक्शन हो गया और उसी वजह से 67 कट ऑफ चला गया। नहीं तो सब लोग ये जान रहे थे कि मैक्सिमम 60 कट ऑफ जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी में 60 मेल का जाता तो फीमेल में वो कट ऑफ 55 तक जाता, 54 तक जाता, ईडब्ल्यूएस में 50 तक जाता और बीसी कैटेगरी का भी कट ऑफ जो है वो 60 के बदले 50 से 52 के बीच रहता और ईबीसी में तो जितने क्वालिफाइड थे सबका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन ये जानबूझ करके जो ये बाहरियों को लाया गया, इस वजह से कट ऑफ हाई चले गए। तो जो भी आज सोचिए बीसी वर्ग में कोई लड़का है जो 54-55 लाख करके बेरोजगार है, अगर बाहरियों को मौका नहीं मिलता तो 54-55 नंबर वाले बीसी कैटेगरी के छात्रों का चयन होता। वो ईबीसी में है और उसको 50 है, 48 है, 52 है, वो बेरोजगार है तो उसको भी मिलता मौका, क्योंकि ईबीसी में कट ऑफ जो पार कर जाते, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था 48-50 पार करते उनको नौकरी हो जाती। ये पूरा का पूरा नुकसान हुआ है बिहार के युवाओं को और इसी बात का आक्रोश है ये सभी बिहारी के मन में। आज गांव गांव तक जो युवा फैले हैं वो अपने आस पास घर परिवार में बता रहे हैं कि हमारी नौकरी इसलिए नहीं हुई कि हमारे बदले बाहरियों को मौका दे दिया गया। अमित जी, आपको एक स्टेटमेंट याद होगा कि जब आया था, जब डोमिसाइल हटाया गया तो उसमें शिक्षा मंत्री का बयान आया कि चूंकि बिहार में योग्य कैंडिडेट नहीं है तो हो सकता है 14,000 योग्य होंगे, बिहार में योग्य नहीं है। उनका ही बात पूरा हुआ कि बिहार में योग्य कैंडिडेट नहीं है, इसलिए हम पूरे देश से जो योग्य कैंडिडेट है उनको हम बिहार में लाएंगे और यहाँ का शिक्षा व्यवस्था अच्छा करेंगे। देखिए, बिहार में योग्य नेता भी नहीं है, बिहार विकास के सूचकांकों में बहुत पिछड़ा हुआ है, आज तक कहते हैं पिछड़ा राज्य है, हमको विशेष दर्जा चाहिए। तो बिहार विधानसभा में बाहर से नेताओं को ला करके चुनाव लड़वाना चाहिए। यहाँ की जनता क्यों बिहार के नेताओं को ही वोट दे, बाहर यूपी, गुजरात और केरल और आंध्र प्रदेश से नेताओं को लाएं, यहाँ पे टिकट दें। तो ये कहना कि योग्य नहीं, योग्य तो आप स्वयं नहीं है, आप शिक्षा मंत्री हैं और कितने दिन आप विभाग में जाते हैं, कामकाज देखते हैं, पूरी बहाली हो गई और आपका कहीं कोई भूमिका नहीं दिखा उसमें, आपका कहीं कोई एक मीटिंग नहीं हुआ जिसमें आपने बहाली को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिया हो, केवल वो तरह तरह का ज्ञान बांटते रह गए, साल भर हो गया कोई काम उन्होंने विभाग का नहीं किया है। तो योग्यता पर वो जो सवाल खड़ा करे वो पहली अपनी योग्यता बताए ना, कितने नेता योग्य हैं यहाँ पर, बिहार का विकास में क्यों पिछड़ा हुआ है, विकास के सूचकांकों में क्यों पिछड़ा हुआ है। यहाँ अगर पिछड़ापन है बिहार का तो राजनेताओं की वजह से है। हमको भी मौका मिले, हम भी चाहते हैं कि गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश के नेताओं को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, यहाँ का सीएम कोई गुजरात का नेता बने, यहाँ का सीएम कोई यूपी का नेता बने, यूपी से इतना अगर आप शिक्षक लेके आए हैं यूपी से हम मुख्यमंत्री भी लाएं, यूपी से हम विधायक भी लाएं, यूपी से आप सिर्फ शिक्षक क्यों लाएंगे, नौकरी ही क्यों देंगे उनको, उनको आकर के यहाँ राजनीतिक कुर्सी भी दीजिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री और मंत्री का पद भी उनको दीजिए। जब शिक्षक यूपी के हैं तो मुख्यमंत्री भी यूपी का आए। हम मांग करते हैं कि ये जो डोमिसाइल नीति हटी है सिर्फ नौकरियों से नहीं हटे, चुनाव से भी डोमिसाइल नीति हटे, बिहार के चुनाव में भी बाहरियों को मौका मिलना चाहिए, तब योग्यता का पता इन नेताओं को भी चल जाएगा अच्छे से कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है। कल परसों जो है वो नीतीश कुमार जी बांटेंगे नियुक्ति पत्र, कितने यूपी के होंगे उसमें, ये तो आप लोगों को जाके पूछना चाहिए। पता नहीं आप लोगों को एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहां पे तो एंट्री को लेकर बड़ा कड़ा प्रावधान है। अब शायद अगर आप लोगों को मीडिया को एंट्री दें तो जो भी है वहां उनसे पूछिए कि आप किस राज्य के हैं, उनको आपको स्वयं पता चल जाएगा क्या आंकड़ा है और क्या अनुपात है उनका। मैं तो कह रहा हूं कि 70% ओपन कैटेगरी में बाहरियों का चयन हुआ है और अगर ओपन कैटेगरी के अभ्यर्थियों को लाएंगे तो आंकड़ा आपको दिख जाएगा। अब बात करने से तो पता तो चलेगा ना भाई कि इनका जो डायलेक्ट है, जो टोन है, बिहारी का है कि बाहरी का है, और बताएंगे भी, वो तो बताएंगे भी और उनके तो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि जो बिहारियों के साथ मजाक हुआ है, बिहार के बेरोजगार युवाओं के साथ एक जो छल हुआ है, अन्याय हुआ है, इसकी वानगी, इसका प्रदर्शन होने जा रहा है गांधी मैदान में कि हमने आपकी नौकरी छीन करके बाहरियों को दे दिया है, अब बिहार के युवा आप जो है बैठ करके यहाँ झाल बजाइए, झुंझुना बजाइए या जा करके बाहर मजदूरी कीजिए। बिहार जो है नौकरी देगा बाहरियों को और मजदूर बिहार से जाएंगे बाहर नौकरी, नौकरी के तलाश में, मतलब कि प्राइवेट नौकरी, मजदूरी जिसको हम कह सकते हैं, मजदूर बन करके जाएंगे। जो एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला था कि बाहरी बनेंगे राजकर्मी, अब बिहारी बनेगा राजमिस्त्री, यही होगा बिहार में। तो बता दें आपको कि जो सरकार अपना आंकड़ा पेश करके अपना पीठ थपथपा रही है, उसका पोल खोल किए अमित विक्रम, शिक्षक हैं बिहार में और शिक्षक संघ के नेता भी हैं, इन्होंने बताया कि कैसे बिहार सरकार आंकड़ों के साथ खेल रही है और इसका नुकसान बिहार के जनरल कैटेगरी,
बीसी ईबीसी के कैटेगरी के छात्रों को उठाना पड़ा और उनके जो लिए आरक्षित एक तरह से सीट जो है ओपन कैटेगरी की सीट जो है उसमें 70% से अधिक का चयन दूसरे राज्यों के लोगों का हो गया है। तो बता दें आपको कि बिहार में जो इस बार शिक्षक बनेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बनने वाले हैं, 14 विभिन्न राज्यों से चुन के आए हैं और ओमान कतर जैसे देशों में नौकरी करने वाले भी अपनी वहां की नौकरी छोड़ के बिहार में शिक्षक बनने के लिए आए हैं। तो स्वागत है, बिहार के शिक्षकों का जो स्तर होगा वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल राष्ट्रीय लेवल का होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपके भी कमेंट हैं तो कमेंट जरूर करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद।